अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक टू ज़ैव बाइट। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो edistrict.wb.gov.in जो कि वेस्ट बंगाल का ऑफिशियल ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है। अगर आप एक सिटीजन हो, मतलब कि आप नागरिक हो, तो आपके लिए यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कोई ट्रेडर हो या बिजनेसमैन हो तो यहाँ पे आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ एक नॉर्मल यूजर हो, मतलब कि नागरिक हो, तो उसके लिए सिटीजन लॉगिन पे जाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे देख सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। यहाँ पे पहले पर्सनल डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा और थर्ड नंबर पे ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पर्सनल डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो ओनली लेटर्स आर अलाउड और मिनिमम 3 कैरेक्टर और मैक्सिमम 60 कैरेक्टर। तो आपका जो नाम है मिनिमम 3 कैरेक्टर और 60 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, उससे कम या 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर इंटर कर लेता हूँ सारे डिटेल्स को। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल को फिल कर लिया है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज बीन सेंड टू दिस नंबर। सेकंड वाले ऑप्शन में बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पे यूजर नेम में वो अपना फुल नेम देते हैं जबकि यहाँ पे फुल नेम नहीं होगा। मैंने भी वही गलती की थी, इसलिए यहाँ पे आपको यूजर नेम मिनिमम 6 डिजिट और मैक्सिमम 30 डिजिट के अंदर बनाना पड़ेगा। आपको अपना नाम नहीं, सिर्फ यूजर नेम देना है। आपको भी ये गलती नहीं करनी है। तो चले यहाँ पे हम यूजर नेम क्रिएट कर लेते हैं। चलिए मैंने एक नया यूजर नेम क्रिएट कर लिया। यहाँ पे आपका नाम नहीं लेगा, एक आपको यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम को क्रिएट कर लिया है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ओटीपी को एंटर करना पड़ेगा। और सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा ओटीपी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसे सेव कर लेता हूँ और ये ऑटोमेटिक यूजर नेम यहाँ से ले लिया। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कैप्चा नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस बटन पे क्लिक करके कैप्चा को प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं कैप्चा एंटर कर देता हूँ। या अगर आपको कैप्चा नहीं समझ में आ रहा तो आप लॉग इन विथ ओटीपी ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। यहां पे मैं फिलहाल कैप्चा के जरिए ही लॉगिन कर लेता हूं। तो ये देखिए आपका ई डिस्ट्रिक्ट में लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और यहां से आप देख सकते हो बहुत सारे 26 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जो सर्विसेज है, जैसे कि सर्टिफिकेट सर्विस है, ग्रीवेंस है और डेवलपमेंट अथॉरिटीज, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लैंड रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लाइसेंस बनवा सकते हो। सर्टिफिकेट के लिए आपको ये वाला ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप स्टूडेंट सर्टिफिकेट, गोरखा सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, लोकल रेसिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि डोमिसाइल, ऑर्डिनरी रेसिडेंस, यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को भी इशू कर सकते हो।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपके कुछ डाउट या सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब देने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।